गुड मॉर्निंग। चलिए फिर हम लोग नए लेक्चर में मिल रहे हैं। आप लोग पिछले लेक्चर में पार्ट फाइव का शब्दार्थ पढ़ा, कविता पढ़ा, फिर उसके बाद उसके अगले लेक्चर में आप लोगों ने उसका लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर किया, और फिर अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। यहाँ प्रश्न नंबर 2 है जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और पोस्ट में दिया गया है दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में थोड़ा सा अंतर होता है। लघु उत्तरीय में थोड़ा सा छोट होता है आंसर, आंसर का साइज थोड़ा छोटा होता है, और दीर्घ उत्तरीय में वैसे प्रश्न रहते हैं जिनके उत्तर थोड़े से उनसे बड़े रहते हैं। तो चलिए हम लोग इसके प्रश्नों को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या दिया गया है, इसमें कह रहा है कि हम सब कवि ने किनके लिए कहा है, किसके लिए कहा है। हम सब सुमन एक उपवन की, तो यहाँ सुमन कहा है फूल के सेंस में, लेकिन कवि सुमन कहने के पीछे कवि का क्या सेंस है। सुमन फूल के सेंस में तो कह दी, लेकिन उसके पीछे उनका क्या सेंस है। तो यहाँ देखिए हम इसका प्रश्न उत्तर देख रहे हैं, कह रहा है कि हम सब कवि ने किसके लिए कहा है। अब इसमें ये हम सब शब्द को क्या किया है, यहाँ ब्रैकेट में इन्वर्टेड कमा में उद्धरण चिन्ह में डाल दिया है, यानी हमसे इसी का उत्तर मांग रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ हम सब कभी हम भारतवासियों के लिए किसके लिए कहा है, भारतवासियों के लिए। यहाँ फूल और बगीचा कौन है, बगीचा हमारा देश है और फूल हम सब हैं। तो यहाँ हम सब सुमन हम सब शब्द जो है सो भारतवासियों के लिए कहा है। चलिए इसका उत्तर तो इतना ही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि फूलों को खिलने के लिए क्या क्या चाहिए। आप जानते हैं कि पौधों को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ हम लिखेंगे फूलों को खिलने के लिए क्या क्या चाहिए। जल, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पानी, हवा और सूरज सूरज की किरणें चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपवन की शोभा किनसे होती है, बगीचा की शोभा क्या है।
भगवान की शोभा किन से होती है? चलिए इसका उत्तर देखा जाए। भगवान की शोभा रंग बिरंगे फूलों से होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया 1 2 3 क ख और ग। फिर हम ऊपर वाला मिटा रहे हैं। एक और प्रश्न है इसमें घ, जिसको कंप्लीट कराने के बाद हम फिर अगले लेक्चर में लिखवाएंगे। इसको आप लोग पॉज कीजिए, नोट कीजिए, देखिए एक बार हम पढ़ के भी सुना दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हम सब कवि ने किसके लिए कहा है? तो हम सब कवि, हम सब भारतवासियों के लिए कहा है। किसके लिए कहा है? भारतवासियों के लिए कहा है। ख नंबर में कह रहा है कि फूलों को खिलने के लिए क्या क्या चाहिए। किसी भी पौधा को हम अगर रोपते हैं तो उसे क्या क्या देंगे, क्या क्या उपलब्ध कराएंगे, क्या क्या आवश्यक है जिससे वो पौधा खिल सके, पौधा आगे बढ़ सके, बड़ा हो सके। तो फूलों को खिलने के लिए सबसे पहले हमें जल चाहिए, पानी डालते हैं, पौधा लगाते हैं तो। फिर हवा चाहिए, जिस प्रकार से हमें भी सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है वैसे पौधों को भी हवा चाहिए। और फिर सूरज की किरणें चाहिए, सूरज की किरणों से हम अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार से फूलों को खिलने के लिए जल, हवा और सूरज की किरणें चाहिए। गा में कह रहा है कि उपवन की शोभा किन से है? किसी भी बगीचे की शोभा वहाँ के रंग बिरंगे फूलों से होता है। तो कह रहा है कि उपवन की शोभा किन से है? तो उपवन की शोभा रंग बिरंगे फूलों से होती है। चलिए ऊपर वाला मिटा रहे हैं। ये घ नंबर में कह रहा है कि इस कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखें। और इसका संदेश लिखना है, यानी कवि जो इस कविता को लिखे हैं उसके पीछे उनकी क्या मोटिव है, क्या भावना है, क्या वे हमें बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, वही हमें यहाँ लिखना है। तो कह रहा है कि इस कविता का संदेश है कि हम सब भले ही अलग 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 रंग रूप के हैं, हमारा धर्म
और जाति भी अलग अलग है, मगर हम सभी एक ही देश के वासी हैं। इसको वे मिटा रहे हैं खाना नंबर के प्रश्न को। आप लोग इसको रोक के वीडियो को अपने कॉपी में नोट करेंगे। और आए कि एक ही देश के वासी हैं आप लोग विराम नहीं, और हम सबों को पालने वाला भी एक ही है। ऐसे तो इसका उत्तर काफी बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए इतना ही मैं दे रही हूँ। आप लोगों को चलिए तो एक बार फिर हम इसको पढ़ के सुना दे रही हूँ। कह रहे कि इस कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। तो इस कविता का संदेश है कि हम सब भले ही अलग अलग रंग रूप के हैं, हमारा धर्म और जाति भी अलग अलग है, मगर हम सभी एक ही देश के वासी हैं और हम सबों को पालने वाला भी एक ही है। हम लोग सभी आदमी जो है, जो चाहे जैसे हो जो हो, कोई तमिलनाडु में रहता है तो तमिल भाषा बोलता है, कोई महाराष्ट्र में रहता है तो मराठी बोलता है, कोई बिहार में रहता है तो भोजपुरी बोलता है। सभी का वेशभूषा भी अलग अलग है, लेकिन जब हमारे देश की बात आती है, जब हमारे देश के लिए चर्चा होती है, तो हम सब हर स्टेट को भूल जाते हैं, हर राज्य को भूल जाते हैं, हर जाति और हर धर्म को भूल जाते हैं, और हम सभी एक ही नारा लगाते हैं कि हम सब भारत के वासी हैं, हम सब भारत के नागरिक हैं, हम सब का देश भारत है। तो यहाँ कवि का सेंस यही है कि हम सब अलग अलग होते हुए भी एक हैं। तो इस प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया। इसमें एक और है जिसमें अर्थ स्पष्ट करना है, इसको हम अगले लेक्चर में आप लोग को लिखवाएंगे। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे और इसको फेर में भी लिखेंगे साफ सुंदर, और इसको पढ़ेंगे, फिर हम आपसे